प्रदेश में लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद होटल रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं। इसके चलते जयपुर के सभी होटल्स में मेहमानों के स्वागत के लिए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तैयारियां की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 10,000 छोटे बड़े होटल हैं, साथ ही होटल और टूरिज्म उद्योग से करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने में अभी समय लगेगा, लेकिन पाबंदियां खुलने से भविष्य की उम्मीद जरूर जागी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गजेंद्र लूनीवाल से की खास बातचीत। कोरोना महामारी के कारण करीब 2.5 महीने से लॉकडाउन का दंश झेल रही होटल इंडस्ट्री के लिए अब राहत की खबर मिली है। आज से मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुसार प्रदेश भर में होटल रेस्टोरेंट को खोल दिया गया है और इसकी वजह से इस पूरी इंडस्ट्री में अब खुशी की लहर है और होटल्स में फिर से खुलने की ज़्यादातर होटल्स में तैयारी चल रही है और बहुत सारे होटल्स ने अपने परिसरों को सजाना संवारना शुरू कर दिया है। होटल के अंदर जो बैंक्वेट हॉल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉबी हैं, रूम्स हैं, उन सबको सैनिटाइज किया गया है, साफ सफाई की गई है, तैयारियां की गई है यहाँ पर कि अगर आने वाले मेहमान, आने वाला सीजन, उनको सभी सुविधाएं आम दिनों की तरह जो इससे पहले मिलती थी वो सभी सुविधाएं सेवाएं यहाँ मिल पाए। अब जिस तरह से राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं उससे कितनी बड़ी राहत मिली है होटल इंडस्ट्री को, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूनीवाल हैं, इनसे बात करेंगे। लूनीवाल जी, क्या माना जाए कि ये एक बड़ी राहत की खबर है सरकार की ओर से? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने होटल रेस्टोरेंट को और मॉल को सबको स्टार्ट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा है कि जैसे हमें कुछ टाइम तो लगेगा, पर आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि हमारा होटल चल पड़ेगा, हम लोगों का होटल चल पड़ेगा। अब उसमें सरकार को 2-3 मेरे अपने सुझाव हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जिनके पैकेज बना हुए कि जो साइड होटलों में जाने के लिए और जितने जो भी इनकम टैक्स पेड है उनको भी उनको कुछ डिस्काउंट करा जाए जिससे कि होटल इंडस्ट्रीज में कुछ जान आ जाए। आप ये बताइए कि सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइन भी जारी किए हैं कि उन्हीं गाइडलाइन के तहत होटल्स को चलाया जाए, यहाँ आने वाले जो मेहमान हैं उनको एंट्री दी जाए, रूम दिए जाएं, तो क्या इन सब के इंतजाम आपकी ओर से किए गए हैं? ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी हमारे को गाइडलाइन दी है इसको फुलफिल हमारा करने का हमारा दायित्व है और वो करेंगे। जैसे आएगा गेस्ट उसको किस ढंग से अटेंड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारी चीजें हमने तय कर रखी है और हमारे स्टाफ को पूरे को ट्रेंड कर दिया है और कितना गैप डिस्टेंस में रखना है, खाने के 2 जनों को एक टेबल पर बैठाना है, 6 फुट की गैप होना चाहिए। उसके अलावा एक गवर्नमेंट ने और किया है कि जो भी गेस्ट आ रहा है उसकी बैक स्टोरी क्या है, कभी पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा या और कोई दिक्कत है तो उसका एक फार्म दिया है इन्होंने, उस फार्म को भरवाएंगे जिससे पता चल जाए। एक ये सेतु का वो आरोग्य कि उसको भरवाएंगे, हम भी भरेंगे जिससे मालूम पड़ जाए कि इसके पॉजिटिव है या नहीं है, तो उससे कि सुरक्षा के हिसाब से बेस्ट रहेगा, स्टाफ की भी सुरक्षा, गेस्टों की भी सुरक्षा। इसके साथ आपको लगता है क्योंकि ये समर सीजन है जहाँ आमतौर पर राजस्थान में इस समय पर्यटकों की आवाजाही कम होती है, लेकिन ये स्मूथ अपनी पटरी पे ये व्यापार कब तक आ पाएगा, आपको क्या लगता है और क्या क्या चुनौतियां हैं इसके सामने? सबसे बड़ी चुनौती है कि जब तक इन लोगों का डर खत्म नहीं होगा, मेहमानों का, गेस्टों का जो आने वाले हैं, सबसे पहले तो उनका डर खत्म हो। दूसरा कि जैसे कि जो लोग आ रहे हैं ये जो कभी बॉर्डर सील कर देते दिल्ली की, कभी कर देते गुजरात की, कभी कहाँ की, तो ये बॉर्डर सील नहीं करें। तीसरा कि राजस्थान के जो जितने भी शहर हैं उनकी ट्रेनों की, बसों की सुविधा जितनी जल्दी चालू करेंगे उस हिसाब से इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी होटल इंडस्ट्रीज में। तो अभी सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश में होटल रेस्टोरेंट को खोल दिया जाए, लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है। अभी भी जब तक लोगों के बीच में कोरोना का डर होगा और साथ ही आवागमन सामान्य नहीं होगा तब तक ये पर्यटन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री
का अपनी गति पर अपने सामान्य दिनों की तरह से चलना अभी एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 TV, जयपुर।